हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरोगे के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले सनराइजर हैदराबाद वर्सेज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का टीम कंपेरिजन करेंगे। तो दोस्तों, एक तरफ जहां पे हैदराबाद बिरयानी है तो वहीं पर दूसरी तरफ हमें इडली और वड़ा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे टाटा IPL 2024 के दो ऐसे टीम्स के बारे में जो कि एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार है। जहाँ पे एक तरफ आपको हैदराबाद की टीम देखने को मिलेगी तो वहीं दूसरी तरफ हमें बेंगलोर की टीम देखने को मिलेगी। जहाँ पे एक तरफ आपको हैदराबाद की टीम अपने 2016 के बाद IPL खिताब जीतने के आस में मैदान में उतर रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ जहाँ पे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो कि अपने 16 साल में 3 बार उप विजेता रहने के बाद IPL खिताब को सुगर को खत्म करने के लिए भी मैदान में उतर रही है। बात करते जहाँ पे ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी डिस्कस किया जाएगा। तो आगे बात करते हैं, पहली पॉइंट होगी जो कि दोनों टीम्स का इतिहास के बारे में रहेगा। सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे कैसा रहा इन दोनों टीमों का पास परफॉर्मेंस। तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बारे में, जानेंगे डिटेल्स में। चौथा टॉपिक बात करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे। पांचवा टॉपिक बात करेंगे, बताएंगे अपने राय वो टीमों के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में, आइए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो बात करते हैं पहली टॉपिक जो कि दोनों टीमों के इतिहास के बारे में रहेगा। तो पहली टीम की बात करें जो कि SRH है यानी हैदराबाद है। इस IPL की टीम को अपने सन टीवी नेटवर्क से यानी ऑन करता है। इस टीम की स्थापना 2012 में डेक्कन चार्ज स्थान पर हुई थी। इस टीम ने 2016 में अपना पहला और एकमात्र IPL खिताब जीता। इस टीम के प्रमुख खिलाड़ी अगर बात करें तो जो कि डेविड वार्नर और भुवनेश्वर कुमार हैं। अगर दूसरी टीम की बात करें जो कि RCB है, इस IPL टीम पर मलिकाना हक जो कि यूनाइटेड स्पिरिट्स का है। इस टीम की स्थापना 2008 में IPL की शुरुआत के साथ किया गया था। RCB ने अभी तक कोई भी खिताब नहीं जीता लेकिन 3 बार उप विजेता रह चुके हैं। अगर इस टीम की प्रमुख खिलाड़ी की बात करें तो जो कि विराट कोहली है जो कि IPL में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी है। इन दोनों टीमों के IPL के इतिहास में कई यादगार मैच भी खेले गए हैं, दर्शकों का रोमांचक क्रिकेट का अनुभव भी कराएगा। दोनों टीमों के बीच में प्रतिस्पर्धा हमेशा देखने लायक है। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक कैसा रहेगा इन दोनों टीमों का पास परफॉर्मेंस। तो SRH और RCB दोनों ही IPL में प्रतिष्ठा टीम है लेकिन उनके परफॉर्मेंस के अंतर देखने को मिलेगा। आइए अगर बात करते हैं पिछले कुछ वर्ष में उनका कैसा रहा। जहाँ पे IPL 2021 में SRH ने इस साल में केवल 2 ही मैच जीते और 10 मैच हारी, जिसमें से पॉइंट्स टेबल आखिरी स्थान पे स्टेबल थी। RCB ने 10 मैच जीते और 4 हारे जो कि जिससे तीसरे स्थान पर भी पहुंच गए। दोनों टीमों के बीच में हुए दोनों मैचों में RCB ने जीत हासिल की थी। IPL 2022 में जहाँ पे SRH ने इस साल 8 मैच जीते और 6 हार के साथ जिससे 4th स्थान पर थे। RCB ने 7 मैच जीते और 7 मैच हारे जिससे वे 5वें स्थान पर थे। दोनों टीमों के बीच में हुए मैचों में SRH ने जीत हासिल की। जहाँ पे बात करते हैं अब IPL 2023 के बारे में, तो SRH ने इस साल 6 मैच जीते और 8 मैच हारे जिससे वह 6th स्थान पर थे। RCB ने 9 मैच जीते और 5 मैच हारे जिससे वे 2रे स्थान पर थे। दोनों टीमों के बीच में हुए मैचों में RCB ने जीत हासिल की। इससे स्पष्ट है कि RCB ने पिछले 3 सालों में SRH से बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। RCB के कप्तान जहाँ पे विराट कोहली जो IPL 2023 में SRH के खिलाफ एक शानदार शतक भी बनाया था। SRH को अपने खेल में सुधार लाने की जरूरत है अगर वे आगे बढ़ना चाहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दोनों टीमों और खिलाड़ियों के बारे में, जानेंगे डिटेल्स में। तो दोस्तों, एक टीम को बैलेंस बनाने में कहीं ना कहीं हर एक खिलाड़ी का महत्वपूर्ण योगदान करता है। कुछ ऐसे ही टीम्स इन दोनों टीमों का खास कॉम्बिनेशन बनाता है। आइए बात करते हैं पहली टीम के बारे में जो कि SRH की टीम देखते हैं, जो कि पैट कमिंग्स है, वाशिंगटन सुंदर है, अभिषेक शर्मा है, सरफराज अहमद है, शानवीर सिंह है, नीतीश कुमार रेड्डी है, भुवनेश्वर कुमार है, मार्को जैनसन है, टी नटराजन है, मयंक मार्कंडे है, उमरान मलिक है, वनिधु हसरंगा है, जयदेव नाटक है, आकाश सिंह है, फजल फारूकी है। और करते हैं दूसरी टीम यानी RCB की टीम देखते हैं, जहाँ पे फैब डुप्लेसिस है, रजत पटीदार है, विराट कोहली है, अनुज रावत है, दिनेश कार्तिक है, सौरभ चौहान है, आकाश दीप है, अलजारी जोसेफ है, मोहम्मद सिराज है, लॉकी फर्गूसन है, यश दयाल है, टॉम करन है, ग्लेन मैक्सवेल है, करण शर्मा है, स्वप्निल सिंह है। तो ये दोनों टीम है, ये रही दोनों टीमों को प्लेइंग 11। अब बात करते हैं चौथा टॉपिक जो कि SRH और बात करते हैं दोनों टीमों का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं। तो IPL 2023 के 65वें मैच में जहां पे SRH और RCB दोनों टीमों का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, हर टीम में कोई ना कोई खूबियाँ और खामियाँ होती है जो हर एक टीम को हर जीत में अहम भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, बात करें दोनों टीम्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो SRH की बात करें तो पहली पॉइंट हेनरी क्लासन जो कि शानदार शतक लगाया, टीम को अच्छा स्कोर दिया। उन्होंने IPL में शतक बनाने वाले 4थे विदेशी विकेटकीपर बल्लेबाज का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने SRH के लिए 3रा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। SRH के नेगेटिव पॉइंट की बात करें जो कि उनके बल्लेबाजों में कोई ना कोई पारी नहीं खेल रही, उनके गेंदबाजों में RCB के ओपनर्स को रोकने में असफल रहे, उन्होंने फील्डिंग में कई चूके और कई मैच भी छोड़े।
अब बात करते हैं दूसरी टीम आरसीबी के पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं। विराट कोहली और फैफ डुप्लेस जो कि जबरदस्त शतक के सरधारी में दम में मैच को जिताती है, उन्होंने आईपीएल में सीजन में सबसे ज्यादा ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। उनके गेंदबाज ने ऐसा आज के बल्लेबाज को दबाव में रखा और विकेट भी लिए। अब बात करते हैं आरसीबी के निगेटिव पॉइंट्स देखते हैं तो उनके मध्यक्रम में बल्लेबाज को बल्ला चलाने का मौका नहीं मिला, उन्होंने क्लासन को जल्दी आउट करने में विफल रहे। उनके कप्तान विराट कोहली जो कि एक रन आउट के चलते अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। अब बात करते हैं पांचवी, बताएंगे अपने राय वो टीमों के बारे में। यह दोनों टीमें टाटा आईपीएल 2024 में भाग ले रही है। एसआरएच की टीम का पूरा नाम सनराइजर हैदराबाद है, वहीं इसके कप्तान पैट कमिंग्स है। जहाँ पे आरसीबी की टीम का पूरा नाम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है, इसका कप्तान आपको फैफ डुप्लेसिस है। इसलिए दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, क्या इस बार टाटा आईपीएल 2024 में कौन सी टीम टाइटल जीतती है यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के हमारे चैनल के साथ बने, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।